डॉक्टर आरती, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंगी ऑनलाइन। आज मैं जो आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा शायद रिक्वेस्टेड था, हाईली रिक्वेस्टेड था, और मेरे पास कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी एक ऐसी रेमेडी के लिए जो कि बहुत जल्दी बालों को ग्रोथ दे सके। मैंने कई सारी रेमेडी शेयर की हैं जो कि सफ़ेद बालों को काला करती हैं, बालों को डाई करती हैं, एक अच्छा हेयर ऑयल भी मैंने शेयर किया है, लेकिन आज एक ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि डेफिनेटली आपके बालों को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। जितना आप चाहते हैं उतनी लेंथ आपको देगी, और साथ ही आपको मिलेंगे डैंड्रफ फ्री, स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बाल। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाली हूँ जो कि बहुत कॉमन सी ट्रिक है, शायद आपने पहले कभी सुना भी होगा, लेकिन वो जितनी कॉमन है उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक से, और उसमें शामिल है बालों की कंघी करना। तो आप सोच रहे होंगे कि बालों की कंघी करने में ऐसी क्या खास बात है। दरअसल जिस तरह से हमारी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्दी रहने के लिए, उसी तरह बालों को हेल्दी रहने के लिए, स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसको अच्छी तरह से, अगर हम बोले सामान्य बोल चाल में, तो सांस लेने के लिए ज़रूरी है कि उसके जो पोर्स हैं वो खुले रहे। हमारे जो स्कैल्प होता है उससे कंटिन्यूसली नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होता रहता है, सीबम निकलता रहता है, जिससे कि जो मामूली पोर्स होते हैं स्कैल्प के ऊपर वो बंद हो जाते हैं। और बालों में कंघी करना ही एक ऐसी प्रोसेस है जो कि पोर्स को अच्छी तरह से खोलती है, हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 2 से 3 बार कंघी जरूर करें। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कंघी भी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है, स्पेशली लड़कों में, क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं, कंघी करना आसान होता है, इसलिए बस हाथ में जब कंघी आई और कंघी करना शुरू कर दिया, वो भी नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर जो नेचुरल ऑयल हमारे स्कैल्प में बनता है वो निकल जाता है बालों से, और बाल फिर रूखे सूखे होना शुरू हो जाते हैं, उनमें डैंड्रफ आना शुरू हो जाती है, झड़ने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कंघी करना है, दिन में बस 2 से 3 बार करनी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें शामिल है रात को सोने से पहले कंघी करना। यानी कि जब आप रात को सोने जाते हैं अपने सारे कामों से फ्री होकर, तो 5 से 10 मिनट के लिए अपने बालों में कंघी कीजिए। एक बार पूरे ऊपर से नीचे तक सीधी कंघी, और फिर अगले 5 से 10 मिनट के लिए उल्टी कंघी। यानी कि सारे आप अगर पुरुष हैं, लड़के हैं, तब तो नॉर्मली आप अपने पीछे गर्दन से शुरू होकर माथे तक कंघी कर सकते हैं, और महिला हैं, बाल बड़े हैं, तो सारे बालों को अपने आगे ले आइए और पीछे गर्दन से शुरू करके, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, पीछे गर्दन से शुरू करके अपने आगे माथे तक आपको पूरे बालों में लाना है। ऐसा आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना है। ये एक बहुत अच्छी मेथड होती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की स्कैल्प में, और बहुत ही ज़्यादा कामयाब है बालों को ग्रोथ देने में। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। तो आज मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो इसी से आगे शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको करनी है अपने बालों में उल्टी कंघी, यानी गर्दन से शुरू होकर अपने माथे तक कंघी को लाना है। और यहाँ पर अगर आप बारीक कंघी यूज़ करते हैं, पहले एक मोटी कंघी से अगर आपके बाल बड़े हैं तो सुलझा लें, क्योंकि अगर सीधा बारीक कंघी यूज़ करेंगे तो आपके बाल उलझ जाएंगे। तो पहले मोटी कंघी से सुलझा लें, और उसके बाद फिर एक बारीक कंघी से बहुत ज़्यादा गड़ा कर नहीं करनी है, हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट के लिए उल्टी कंघी करें, और फिर इसके बाद मैं ये जो रेमेडी आपको बता रही हूँ ये यूज़ करें। इस रेमेडी में बेसिकली मैं ले रही हूँ सबसे पहले जिंजर का जो जूस है, वो जिंजर जूस बहुत अच्छा माना जाता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। यानी कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं और अभी तक भी झड़ रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये जिंजर जूस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली ये बालों की जो ग्रोथ होती है उसको बहुत अच्छे से प्रमोट करता है, स्कैल्प को डिटॉक्सीफाई करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ जिंजर जूस बनाने के लिए मैंने फ्रेश जिंजर लिया था, और उसको फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर मैंने जूस निकाला हुआ है। और इस जो जिस पेस्ट से जिंजर पेस्ट से जूस निकालते हैं, ये देखिए, ये पेस्ट निकाला, सॉरी, जूस निकाला हुआ, ये बाकी के रेशे हैं अदरक के, जिंजर के, ये तो जूस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बाकी ये जो भाग बचता है इसे आप फेंके ना, इसे फ्रिज में रख लें।
इसका भी मैं आपको यूज बताने वाली हूँ। तो इसे आप फेंके नहीं, जूस आपने किसी छन्नी से छान कर निकाल लिया और अब इसको आप फ्रिज में रख दें। अब रहा ये जूस, इस जूस में आपको थोड़ी सी मिलानी है, लगभग 1/4 काली मिर्च। काली मिर्च भी बहुत अच्छी होती है बालों को ग्रोथ को प्रमोट करने में, साथ ही अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ हटाने में काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं लगभग सिर्फ 1/4 चम्मच ही आपको काली मिर्च लेनी है और मैं मिला रही हूँ इसको जिंजर जूस में। बड़ी स्पाइसी सी रेमेडी है ये। और इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी का तेल। यह कलौंजी का तेल अगर आप हल्का सा गुनगुना करके लगाते हैं बालों में और इसे जूस में मिलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कलौंजी भी बहुत अच्छी होती है बालों को ग्रोथ देने में। मैं यहाँ मिला रही हूँ लगभग 3 चम्मच। ये जो जिंजर का जूस था लगभग 4 चम्मच था, ये इस चम्मच से लगभग 4 चम्मच था, मैंने क्वांटिटी नहीं बताई तो बता रही हूँ 4 चम्मच था। उसमें 1/4 मैंने काली मिर्च का पाउडर मिलाया और अब ये 3 चम्मच मैंने कलौंजी का तेल मिलाया है। कलौंजी का तेल अगर आप हल्का सा गुनगुना करके इसमें मिलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लीजिए, आपकी ये रेमेडी तैयार है। ये रेमेडी आपको लगानी है बालों में रात को, यानी कि जिस तरह से मैंने उल्टी कंघी करना आपको बताया वैसी बालों में कंघी करनी है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद ये जो रेमेडी है इसको एक कॉटन आप लीजिए और इस कॉटन को इस रेमेडी में भिगोकर आपको अपने पूरे बालों में लगानी है अच्छी तरह से, जड़ों में। ध्यान रखिए जड़ों में लगनी चाहिए, सबसे पहले जड़ों में लगाएं और फिर अगर बचती है तो बाकी अपने पूरे बालों में लगा लें। तो ये आपने लगाई रात को और फिर इसके बाद बालों को किसी कॉटन के कपड़े से या सैटिन के रुमाल से आप कवर करके सो जाएं, रात भर लगी रहने दें, बस आप कुछ नहीं करना है। अगली सुबह जब आप बाल धोने के लिए उठते हैं, प्याज का आपको लेना है पेस्ट, एक अच्छी प्याज लेनी है मीडियम साइज की और ब्लेंडर में लीजिए उसको और बस पीस डालिए और उसका पेस्ट बना लीजिए और उसमें ये जो अदरक का बाकी बचा हुआ भाग था जो मैंने आपसे फ्रिज में रखने के लिए बोला था वो निकालिए और वो हमको इसमें मिलाना है। प्याज और अदरक दोनों मिलकर बालों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि ना सिर्फ चमक देंगे, डैंड्रफ हटाएंगे, अगर बाल झड़ रहे हैं तो उनको कम करेंगे, अगर रूखे सूखे हैं तो उनको नमी देंगे, बल्कि अगर बढ़ नहीं रहे आपके बाल, क्योंकि अक्सर हम डैंड्रफ कम हो जाती है, बाल झड़ना कम हो जाता है, ये जो रेमेडी है खास तौर पर बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए है। तो ये दो चीज़ें हो गई, एक प्याज एक अदरक। और जो अगली चीज़ लेनी है वो आपको लेनी है शिकाकाई पाउडर। ये शिकाकाई पाउडर है, ये शिकाकाई पाउडर बहुत अच्छी तरह से स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई करता है, उनके जो पोर्स होते हैं उनको ओपन करने में, और स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह से साफ करता है, जैसे कि पोर्स एकदम खुल जाते हैं, डीप क्लींजिंग उनकी हो जाती है और वो बहुत ज़रूरी होती है ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो मैं शिकाकाई पाउडर यहाँ पर ले रही हूँ और ये जो पेस्ट है इसको मैं बनाऊंगी मट्ठे की मदद से, यानी आपको मट्ठा लेना है। अगर आपके मट्ठा या छाछ भी बोलते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए एक बड़ा सा बाउल मैं लूंगी और फिर इस बाउल में मैंने एक मीडियम साइज़ की ये प्याज ली है, ये पूरी प्याज मैं इसमें डाल दूंगी और इसके बाद जो बचा हुआ ये जो जिंजर का ये रेशे थे, जिंजर का पार्ट था बचा हुआ, ये मैंने इसमें मिला दिया। और इसके बाद इसमें अब मैं डालूंगी शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई पाउडर आपको लगभग 4 से 5 चम्मच इसमें मिलाना है। ये लीजिए मैं इसमें मिलाती हूँ, आपके बाल छोटे हैं तो आप क्वांटिटी कम भी कर सकती हैं और आपके बाल अगर बहुत लंबे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आपस में मिला दें और पहले हम मिला लेंगे और उसके बाद फिर जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से छाछ मिलाएंगे। थोड़ा सा छाछ मिलेगा, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मिलेगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये, आप इसे अगर लगाते हैं हफ्ते में, इनिशियली आपको जब ग्रोथ चाहिए तो इसे हफ्ते में 3 से 4 बार आप लगाइए या फिर एक दिन छोड़कर भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी चाहिए आपको और जो इन्वर्जन मेथड मैंने आपको बताई, यानी उल्टी कंघी करने की जो मैंने आपको मेथड बताई है, वो आप रोज़ ही करिए, यानी कि आप ये लगा रहे हैं नहीं भी लगा रहे हैं
नॉर्मली भी आप है बाल बस कंघी कर रहे हैं तो वो आप एक बार सोने से पहले जरूर कीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलैक्स भी फील होगा। तो ये हमारा पेस्ट तैयार है, अब बस इस पेस्ट को अपने बालों में लगा लीजिए अच्छी तरह से, जड़ों में लगाना है खास तौर पर, और इसके बाद बचता है तो थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा पतला करके बालों के सिरों तक फैला लीजिए। बस 1 से 2 घंटे लगा रहने दीजिए, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा, इस बीच में धो डालिए। इसकी जो बदबू है, अगर आपको इसकी बदबू से प्रॉब्लम है, अगर नहीं जाती है, तो आपको बस करना क्या है, एक तो हल्का गुनगुना पानी करिए और उसमें एक नींबू निचोड़िए और उसमें थोड़ी सी लैवेंडर ऑयल की बूंदा डाल दीजिए। लैवेंडर ऑयल नहीं है तो टी ट्री ऑयल आप ले सकते हैं, कोई भी खुशबूदार रोजमेरी ऑयल ले सकते हैं, खुशबूदार ऑयल मिलाकर और बस लास्ट रिंस उस पानी से कर दीजिए, तो जो बदबू है इसकी वो निकल जाएगी, तो प्याज की बदबू भी आपके बालों में नहीं रहेगी। तो देखा आपने कितना आसान है बालों को ग्रोथ देना, बहुत कॉमन समस्या हो गई है, लड़कियां अक्सर चाहती हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उनके बाल अच्छे लंबे हों, घने हों, मुलायम हों, चमकदार हों, लेकिन आजकल ये पॉल्यूशन की वजह से, बदल के लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत मुश्किल ये चीज़ हो गई है। तो ये रेमेडी डेफिनेटली आपकी मदद करेगी, 100% आपको इससे रिजल्ट मिलेगा और आपके बाल एकदम मन चाहे जैसे आप चाहती हैं वैसे हो जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। Thanks for watching. Bye-bye.